जब ज़मीन का दर्जा हरारत थोड़ा सा गर्म हो, हवा का दर्जा हरारत थोड़ा सा ठंडा हो, और फ़र्क इतना हो कि ज़मीन से जो एवेपरेशन हो रही है, जो पानी उड़ के हवा के अंदर जा रहा है, वो इमीडिएटली कंडेंसेट हो जाए, तब आपके पास बेसिकली फॉग की सिचुएशन सामने आती है। इस सिचुएशन में जहाँ पे हम अभी हैं, हमारा अपना दर्जा हरारत हवा का है तकरीबन 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास है हम, यहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं। सी का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, तो बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम एंड सिमिलर। केप टाउन थोड़ा सा ऊंचा है, टेबल माउंटेन, मैंने आपको याद है अपनी पिछली वीडियो में दिखाया था, टेबल माउंटेन भी ऊंचा है, तो माउंटेनस एरिया है। इस केस में, आज के इस केस में हो ये रहा है कि फॉग बन वहाँ पर रही है और फिर वहाँ से बह के एक बहाव से हमारे पास यहाँ पे समंदर में आ रही है, एंड दैट इज़ वाई वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग फॉरवर्ड ऑफ आवर।